मास्टर बाबूलाल जी, नमस्कार साहब। रमण साहब, चूरू जिले के अंदर हमारे जितने विधायकों ने और एमपी साहब ने बोला है उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारे चूरू जिले की भावनाएं सारी उन्होंने जो बताई उन्हीं भावनाओं को मैं आपके समूह यही कहना चाहूंगा, उनका पूरा ध्यान। और चूरू जिले के अंदर हम सब एक होकर काम करें, ये बात सही है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रवासी जितने आने वाले जाने वाले हैं, उनका जो अब तक सब राजस्थान के एमएलए ने या मंत्री महानुभाव ने कहा है, उसको गौर करने की आवश्यकता है। मैं थोड़ा सा राजस्थान के अंदर की बात करना चाहूंगा। जैसे चूरू जिले के अंदर राजगढ़ से जो आदमी चलता है वो चूरू आता है पैदल, या राजगढ़ से चलकर सुजानगढ़ एक ग्रुप के अंदर लोग आते हैं, तो ये जिम्मेदारी वहां के थानेदार, तहसीलदार, एसडीएम को दे दी जाए कि सूरत के अंदर कोई आदमी पैदल चलेगा तो जिम्मेदारी वहां के एसडीएम की, वहां के थानेदार की, वहां के तहसीलदार की होगी। पहला पॉइंट, ये बहुत अनिवार्य, क्योंकि राजस्थान का नाम अब तक रहा है, राजस्थान का नाम अब तक रहा है कि राजस्थान लीड ले रहा है, तो पैदल चलने वालों के लिए भी लीड लेने की आवश्यकता है। और राजस्थान में जो जिले हैं वहां पे जो भी पैदल निकलते हैं उनको चाहे कैंप में रखें, उसके बाद चाहे उनको प्राइवेट बसें दें, चाहे सरकारी बसें दें, ये मेरा विशेष तौर से कहना है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा सर, चूरू जिले के अंदर आज की तारीख के अंदर जिस प्रकार से हमारे एमपी साहब ने, हमारे विधायक साहब ने, जिन्होंने जो बात कही है कि चूरू जिले में आज की तारीख में 7-7 व्यक्ति सरदार शहर और चूरू में आए थे और वो ग्रीन जोन में आ गया, उसके बाद में आज की तारीख में 3 व्यक्ति जो बाहर से आए, 2 चूरू में आए, 1 सुजानगढ़ में आ गए, और आज की तारीख में ग्रीन से वो चले गए ऑरेंज में। मैं कहना चाहूंगा 14 दिन के जो टाइम है, हमारे गांव के लोग हमें फोन करते हैं कि मंत्री जी ये जो आदेश दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि होम आइसोलेट करो, होम क्वारंटाइन करो, उसको तो बंद करो, हम खाना देने के लिए तैयार हैं लेकिन उनको स्कूल के अंदर रखाओ। मेरा निवेदन है कि दूसरे जिलों में रहे या नहीं रहे, हमारे चूरू जिले के अंदर स्कूलों के लिए, हमारे बाहर गांव में बने बहुत, हमारे धर्मशालाएं बनी हुई है, लोग हमारे बहुत से सामुदायिक भवन बने, स्कूलें बने हुए, उसमें आप उनको रखाओ। वहां पे हमारे बीडीओ, हमारे तहसीलदार, एसडीएम ने चारपाई लगा रखी है, वहां पर चद्दर बेड सब दे रखे हैं, खाना गांव के लोग देने के लिए तैयार है, लेकिन इस काम को आपको अंजाम देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि चूरू जिले में बाहर से आकर के सबने कोरोना फैलाया है, और अब जो 2 आ गए चूरू, 1 आ गया सुजानगढ़ में, हमें तो चिंता इस बात की है कि अब धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं सूरत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर और बंबई में। चूरू जिले के व्यक्ति सबसे ज्यादा सूरत में, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में और सबसे ज्यादा बंबई में रहते हैं, और अब उनको आने की छूट गई मिल, अब छूट गई मिल तो आएंगे गांव में, और जो ही गांव में आएंगे तो गांव के लोग लक्ष्य लेके तैयार बैठे हैं, वो कहते मंत्री जी हम तो इनको नहीं, अब आप हमारे सामने दुविधा मत खड़ी करो, गांव के लोग 10-12 दिन उनको स्कूल में छोड़ देंगे, खाने के 1 पैसा मत देना, खाने के लिए भी हम तैयार है, हम गांव वालों से दिलवा देंगे, लेकिन एक बार स्कूलों के अंदर हमारे एमपी साहब ने कहा, हमारे एमएलए साहब ने कहा, इसका जो ध्यान दो ताकि हमारा चूरू बन जाए। मार्था चूरू को मॉडल बना ही चलेंगे हम लोग, चूरू को मॉडल बना दीजिए साहब, मॉडल बना हुआ था, 7 व्यक्ति आए बाहर से दिल्ली से, वो आकर के सरदार शहर को चूरू को खराब किया, उनको एकदम लिया। इतने के लिए आगे के लिए आप जो सुझाव दे रहे हो, बूढ़ा नेहरी बोले और एमपी साहब बोले, सब बोले हैं, अभिनय जी बोले, कहता हूँ कि इसको पूरा मॉडल बना देते हैं कि कैसे क्वारंटाइन करवाना स्कूल के, गांव के बाहर, और कैसे इनको एजुकेट करना है। बिल्कुल हम तैयार है, इसलिए ये बात बोली है, अच्छी बातें बोली है, इसको मॉडल बना के चलेंगे आगे राजस्थान भर के। लास्ट का मेरा लंबा पॉइंट नहीं, बार बार कई बार आपसे बात हुई है, पानी पीने के, पानी की व्यवस्था के लिए बीडी कला जी को बोलिए कि छोटे छोटे जॉइंट है, छोटे पाइप है, समर्सिबल है, ये मोटरें हैं, ये सारी खराब पड़ी है, इनको जल्दी से जल्दी ठीक करा करके गांव में पीने का पानी व्यवस्था करें। लंबी बात नहीं कहूंगा, प्रवासी राजस्थान पर ध्यान दें, धन्यवाद।